नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल ऑस्ट्रेलिया फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों बायोफ्लॉक में एक कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा, तो ये जो टॉपिक है काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बायोफ्लॉक में हम रोहू कतला पाल सकते हैं नहीं पाल सकते, आईएमसी होगा नहीं होगा, उसमें हम मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सा मछली इसमें जो है इजली पाला जा सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो नए नए बायोफ्लॉक करते हैं या कुछ पुराने भी हो गए जिनको आइडिया अच्छे से नहीं है, तो उनके मन में ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मछली जो होती है वो दो तरह की होती है, एक आईएमसी जिसमें आपको रोहू कतला मृगल एक ग्रास कार्प कॉमन कार्प सिल्वर कार्प ये सब होता है, और दूसरा जो है वो कैटफिश में आपका हो गया मागुर हो गया पंगेसियस हो गया फिर आपका सिंगी हो गया पापदा हो गया, तो ऐसे ऐसे ये मछलियाँ जो हैं वो कैटफिश में आपकी आती है। अब है कि बायोफ्लॉक में बहुत सारे लोग आपको उपदेश देते मिलेंगे यूट्यूब पे कि नहीं भाई आईएमसी नहीं हो सकता है, आईएमसी में सफलता आपको नहीं मिलेगी, आईएमसी में बहुत लॉस हो जाता है, रोहू कतला नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे करके तमाम आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आपके मन में भी अवश्य ये सवाल उठता होगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत लोग रिस्क भी नहीं ले पाते। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जो आपको उपदेश दे रहे हैं उनको थोड़ा सा उनके पास आप जाके मिलें, देखिए कि कौन सा टैंक है उनके पास। आप बायोफ्लॉक जो ये टैंक आप लगाए हुए हैं ये तो नॉन लिविंग बींग है, आप सारा ठीकरा इसके ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं। कुछ तो क्वालिटी होगी जो इसके अंदर आपका जो है आईएमसी नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर आपका 10,000 लीटर का टैंक है दोस्तों तो आप इसमें आईएमसी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कॉमन कार्प करना चाहें तो आपको सफलता मिल सकती है, सिर्फ कॉमन कार्प, रोहू कतला मृगल ग्रास कार्प वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर 10,000 लीटर का आपका टैंक है तो आप उसमें कॉमन कार्प कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें रोहू कतला नहीं हो सकता है, अगर आपका टैंक 20,000 लीटर का है तो आप उसमें कर सकते हैं और जरूर होगा। अगर आपका टैंक 50,000 लीटर का है तो आप पक्का सफल होंगे आईएमसी करने में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग जो हैं 8-10 टैंक लगा लिए 10,000 लीटर वाला और उसमें उपदेश देते फिर रहे हैं कि नहीं इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें सिर्फ पंगेसियस होगा तिलापिया होगा और फलाना फलाना होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए बायोफ्लॉक में आप वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें दोनों तरह का मछली, जो एक वायु श्वासी होता है और दूसरा जल श्वासी होता है, मतलब जो आईएमसी होता है वो पानी के अंदर से अपना गिल से वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेता है, और दूसरा जो है कैटफिश आपका जो पंगेसियस वगैरह है वो वायु श्वासी होता है, जैसा कि आप जानते हैं ऊपर आके वो श्वास लेता है। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं लेकिन आपका टैंक जो है आईएमसी के लिए बड़ा होना चाहिए, बड़ा टैंक होगा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10,000 लीटर का टैंक है दोस्तों तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन कार्प पे एक बार ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अच्छे से सारा पैरामीटर फॉलो करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैटफिश की, तो कैटफिश में देखिए सब लोग पंगेसियस तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन आप ट्राई करें, अगर एक आध हार्वेस्टिंग आपका हो गया है एक आध साल का अनुभव हो गया है तो आप सिंघी पे ट्राई करें, और पहले आप मार्केट एक बार अपना देख लें कि सिंघी का डिमांड है कि नहीं। अगर सिंघी का डिमांड है दोस्तों आपके नियरेस्ट मार्केट में लोकल मार्केट में तो आप सिंघी कीजिए, अच्छे से कीजिए, इसमें ज़्यादा टेंशन आपको नहीं है, आराम से एक बार डाल के छोड़ दीजिए। और जहाँ तक फीडिंग की बात है तो बायोफ्लॉक में आपको अपने फीड फर्मेंटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, आप मार्केट पर डिपेंड होके बायोफ्लॉक में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते हैं, इसलिए आपको अपना जो है आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा फीड फर्मेंटेशन का, जो होममेड फीड होगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप करेंगे और आप अपने से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो आप आराम से सिंगी डाल के और अपना होममेड फीड उसको खिलाइए और एक साल में उसका हार्वेस्टिंग कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आप लेके जाएंगे। तो यही सब
सवाल है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपके अंदर जो डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।